अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एक रिव्यू, और वो रिव्यू आपको पता ही लग रहा होगा किन प्रोडक्ट्स पे है, वो है ब्यूटीफाई बाय आमना। ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे जो दिख रहे हैं, मैंने रिसेंटली मंगवाए थे खुद, और इनको मैंने सोचा कि मैं टेस्ट करूँ कि कैसे हैं, एंड टेस्ट करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ये कैसे लगे। तो पहले आपको बताती हूँ कि क्या क्या मेरे पास आया है, एंड देन जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये सब कैसे हैं। पहले मेरे पास जो आया है वो आया है ये एक ब्रश, अगेन इस पर सब लिखा हुआ है ब्यूटीफाई आमना। अच्छा ब्रश है, तो एक ये ब्रश आया है मेरे पास, दिख रहा होगा। इसके अलावा मेरे पास है ये सीरम, ये स्नो ग्लो सीरम है, जो पहला वाला था जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि व्हाट आई हैव इनसाइड माय मेकअप, वो दूसरा सीरम था लेकिन ब्यूटीफाई आमना का ही था, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास आए हैं दो अदद प्राइमर, ये दो प्राइमर्स हैं, ठीक है, इसको साइड पे कहते हैं। फिर है मेरे पास ये रिवोल्यूशनरी लूज सेटिंग पाउडर, जो ये हर अपने उसके साथ देते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ये है। फिर है मेरे पास ये बीबी क्रीम, जो बीबी क्रीम आई है वो बीबी रिफाई आमना की तरफ से। एंड देन आई हैव ब्यूटी ब्लेंडर्स, एक ये अलग से एक ब्लेंडर है, बाकी ये तीन ब्लेंडर्स हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने ब्लेंडर्स मुझे चार ब्लेंडर्स दिए हैं। तो ओके, स्टार्टिंग विद दिस, पहले तो मैं आप लोग को स्टार्ट करूँगी ये स्नो ग्लो सीरम से। फेस हाइड्रेटिंग सीरम है ये, सो स्टार्ट करते हैं कि ये है कैसा और मुझे कैसा लगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस सीरम विच इज़ ब्यूटीफाई बाय आमना। तो ये स्नो ग्लो सीरम है, आप फर्दर इसके बारे में बताऊँ। सो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर डायरेक्शंस भी, कॉशन भी और हर चीज़ लिखी हुई है कि ये किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप मेकअप करने से पहले ही सीरम यूज़ करते हैं, सो ये सीरम जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, मतलब हर चीज़ भी हाइड्रेटिंग सीरम है, तो मेकअप लगाने से पहले आप इसको ज़रूर लगाएं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। सो ये कुछ ऐसे होता है, और ये नोजल टाइप होता है, यहाँ पर दी हुई होती है, तो अपने फेस पर आपको 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऐसे करके नज़र आ रहे होंगे, स्प्रिंकल करने हैं। और अगेन आप अपने हाथ पे इसको रब करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। मैं अपने हाथ पे आपको करके दिखाती हूँ, बस एक ड्रॉप करूँगी क्योंकि मेरा मैं अपने हाथ पे जो है वो कर रही हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ये आपको कितना अच्छा हाइड्रेटिंग सीरम है। ये मैंने थोड़ा सा बस लगाया अपने हाथ पे, और इसको मैंने अभी अपने हाथ पे बिल्कुल रब कर दिया है, ठीक। सो अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, वो है ये प्राइमर। ये दो प्राइमर हैं, और मैं आपको बताऊँ ये प्राइमर बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है। कोई सबसे अच्छी बात ये है कि दे आर नॉट लिक्विड, मतलब आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको इसको अपने हाथ पर अगेन रहा के दिखाती हूँ। तो ये आपको एक दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द वीडियो। तो ये है, देख रहे हैं आप, अब मैं इसको अपने हाथ पर रब कर रही हूँ, तो ये कितना स्मूथली रब हो रहा है, कितना ये जो है वो लिक्विडी है ही नहीं, जिसकी वजह से आराम से मेरे हाथ पे ये पूरा रब हो गया। तो अगेन मुझे पता चला कि उन्होंने दो प्राइमर दिए हैं, और ऑफकोर्स इसकी थोड़ा सा कम कहते हैं क्वांटिटी, इसलिए दो काबिले कबूल है, क्योंकि मैंने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई, तो प्राइस बताऊँगी तो आप कहेंगे कि उस हिसाब से चीज़ें भी थोड़ी सी सही हैं और उनकी क्वान्टिटी भी अच्छी। सो कमिंग अप विद दिस बीबी क्रीम, तो पहली बार मैंने यूज़ की बीबी क्रीम ब्यूटीफाई बाय आमना की। आई वुड से कि हाँ ये अच्छी है, लेकिन ये हर स्किन टोन के लिए नहीं है। ये कभी कभी आपकी स्किन, मतलब फॉर सपोज अगर आपकी तो डार्क स्किन है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा डार्किश है, तो इसलिए बीबी क्रीम जो है ये हर स्किन के लिए नहीं है। मैं भी आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। वैसे मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, ये छोटी सी ट्यूब मुझे अच्छी लगी बहुत। तो ये है इसकी जो वो है टेक्सचर है, तो इट्स नॉट फॉर डार्क स्किन। ओके, सो मैं अपने हाथ पे तो मैं अपने हाथ पे जो है वो रब कर रही हूँ। सो क्योंकि आप देख रहे हैं, जब मैं अपने हाथ पे इसको पूरा रब कर लूँगी उसके बाद ही आपको इसका टेक्सचर पता लगेगा। अभी देखें, मेरे हाथ के हिसाब से, मेरी स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मेरी डार्क स्किन होती तो फिर ये पता लगता कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। सो फॉर दिस कि मैं ये कहूँगी कि है अच्छा, लेकिन अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप, या आपकी स्किन टोन ऐसी है तो आप इसको
प्रेफर मत करेगा कि यार ये अच्छा होगा, रिव्यू आया तो नहीं ये नहीं होगा उसके लिए। बाकी अगर ऐसी स्किन है या ऐसे थोड़ी सी आप भी थोड़ी सी ब्राइट है तो आप इसको कर सकते हैं कंसीलर। फिर ये अगेन ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो ये हैं, तो ये तो मुझे इतने वो नहीं लगे। मैंने ये वाला खैर अभी यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किए हैं ये वाला, मैंने ये ब्लैक यूज़ किया है। तो ये सब जो मैंने मंगवाया है ये मुझे पड़ा है 3000 में। एंड आप लोग मुझे बताएं कि मुझे सही पड़ा है या मुझे ज़्यादा पैसे ले लिए मुझसे, क्वांटिटी कैसी है, एंड आपको क्या लगता है कि 3000 में इतना इनफ था या और आना चाहिए था। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।